देखना तकरीर की लज्जत से उसने जो कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे देखने है। और एक चीज और मैं कहूंगा, जैसे ये मैंने कहा कि जो लिख सकता है वो लेखक है, उसी प्रकार एक दूसरी बात यह है कि लेखन जिसकी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो लेखक है। लेखक जो होता है उसके क्रिएट ने एक एक जगह लिखा है कि जो ये जो लेखन होता है वो सीधे से चीनी बनाने जैसा डायरेक्ट एक्शन नहीं होता है, ये फूल से मधुमक्खी जैसे रस बनाती है, मधु बनाती है, वो एक्शन होता है। लेखक हर जगह जहां रहेगा अपने लिखने की सामग्री उसका दिमाग जुटाता रहेगा, चाहे वो काम कोई करता हो, लेकिन उसकी सामग्री उसके दिमाग में जुटती रहती है तब कभी वो लिख देता है। अभिनव गुप्त ने जब प्रतिभा की परिभाषा दी तो कहा कि वो अपूर्व वस्तु का निर्माण करने वाली प्रज्ञा, या भट्टतौत ने या आनंदवर्धन ने, सारे आचार्यों ने इसको कहा है नवीनता को, वो क्रिएटिविटी के मूल में है जो लेखक में होना चाहिए। विचारधारा के बारे में मुझे सिर्फ ज्यादा बातें नहीं करनी है, क्योंकि विचारधारा के बारे में विश्व प्रसिद्ध बहस हुई है। लुकास का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हंगेरियन दार्शनिक थे, मार्क्सवादी थे, हंगरी पर जब सोवियत क्रांति हुई थी हंगरी में तो वहां वो मिनिस्टर भी बनाए गए थे, बाद में गिरफ्तार भी हुए थे, और उन्होंने बहुत आइडियोलॉजिकल किताबें लिखी हैं। उनसे अर्नस्ट ब्लोस नाम के एक जर्मन दार्शनिक थे, उनकी बहस हुई है। और ब्रेख्ट का नाम जरूर सुना होगा नाटककारों ने, ब्रेख्ट नाम के नाटककार थे जर्मन, उनसे उनकी बहस हुई है। इतनी लंबी बहस हुई है ब्लोस की लुकास से, रिटेन लिखित बहस, और ब्रेख्ट का लुकास से कि वो सब छपा हुआ है और उसके विस्तार में हमको नहीं जाना है। लुकास का पक्ष दूसरा था, ब्रेख्ट का और ब्लोस का पक्ष दूसरा था। मैं ब्रेख्ट और ब्लोस के पक्ष का समर्थन करता हूं। विचारधारा बहुत कट्टर और कड़ी साहित्य में नहीं होनी चाहिए लेखन। मैंने वहां उदाहरण देके बताया था कि किस प्रकार गांधी जी ने रामचरितमानस का राजनीति उपयोग किया। वो पूरा हुआ मंच है, बाबा रामचंद्र दास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राम कथा का पाठ करते थे, रामचरितमानस का, और उसके खिलाफ अंग्रेजों ने कार्रवाई की कि विद्रोह कर रहे हैं, वो बंद किए गए। इतने बड़े आदमी थे उनसे मिलने के लिए महात्मा गांधी गए, उनको बरेली जेल में बंद कर दिया थे, और जिस समय वो बंद किए गए 100,000 लोगों ने बरेली जेल को दे दिया आजादी की लड़ाई 1920 की बात। और बाबा रामचंद्र दास को थाने के भीतर जो एक बड़ा भारी गेट था, उस गेट पर चढ़ा कर दिखाया गया कि एक भी मरे नहीं है, सब जाके जनता के स्पर्श। तो ये होता है लेखन का, उसी हाथ में उसको भक्ति के लिए लिखा, लेकिन उसका उपयोग क्या है जैसे करने वो मार्गजब किसी पर आधारित है। 1200 प्लेट का अध्ययन करने के बाद प्रजर वगैरह ने यह साबित किया था कि मनुष्य के कर्मों के मूल में मंगल की भावना होती है। मैंने आपका कभी काफी समय लिया इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पुनः एक बार साहित्य अकादमी को और हांसी मेरे इस आयोजन पे करने वालों को उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।